आप यहीं लोकल हैं? जी जी। क्या करते हैं आप? सर मैं फिलहाल अभी घर में ही हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में हूँ, बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाई करता हूँ। और खाली टाइम पर ही अपने समाज के लोगों को उठाने का कार्य करता हूँ, और कभी कभी कहीं पर एजुकेशन कोचिंग दे देता हूँ, बच्चों को गाइडलाइन दे देता हूँ, और अपने समाज में जो भी समस्या है उनसे मुखातिब होता रहता हूँ और उनको उबारने की कोशिश करता रहता हूँ। आप तो वैसे भी काशी नगरी से हैं जी, जो कि शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र भी है, सदियों से रहा है जी, और सबसे राजनीति का भी बहुत बड़ा गढ़ है जी। मरवाही जो है, अगर अपन हम यहाँ पे घूम रहे हैं मरवाही के क्षेत्र में जो वर्तमान में जिला भी बन गया है, देखने को मिल रहा है यहाँ पे शिक्षा के स्तर बहुत गिरा हुआ है। सर क्या जिम्मेदारी, क्या मानते हैं, क्यों ऐसा है? सर इसको जिस किसी ने लूटा, ट्राइबलों के नाम पर लूटा है कि नहीं, और विकास के नाम पर लूटा, और यहाँ जानते हैं आप, देखे होंगे सर, आप आते रहते हैं रायपुर से, देखें कितने भोले भाले आदिवासी यहाँ रहते हैं, जिनको बातों से फुसलाकर वो किसी भी तरह डाइवर्सन कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो अपने सत्ता के लिए यहाँ के लोग, जो वंशवाद के लोग हैं, कहते हैं कि मरवाही मेरा है, इसमें कोई आएगा ही नहीं। सर वो वैसे लोगों ने यहाँ पर एक पाँव जमा लिया है और यहाँ को चूस रहा है, जैसे हमारे क्षेत्रीय लैंग्वेज में एक जोखुआ होता है, तालाबों में पाया जाता है, तो वो पूरे खून के चूस चूस के अपना पेट भर लेता है। वैसे यहाँ के जो वंशवादी राज सत्ता के लोग हैं वो ऐसे ही किए हैं सर, यहाँ कुछ विकास नहीं है, विकास के नाम पर काफ़ी कुछ उन्होंने बोला लेकिन किया नहीं सर। खुद तो यहाँ से पढ़े लिखे और यहाँ के नमक खाए, लेकिन कभी यहाँ के लिए कभी कुछ अच्छा काम नहीं किए। एक बहुत बड़ा यहाँ पर देखिए डॉक्टर भंवर सिंह कॉलेज है, और डॉक्टर भंवर सिंह कॉलेज है लेकिन उसमें पढ़ने वाले बच्चे बहुतल्य, मतलब बहुल्य आदिवासी के बच्चे रहते हैं, लड़के लड़कियां, और दूर दूर से आते हैं सर, 30-35 किलोमीटर तोड़ते, जो काफी एक कद्दावर नेता रहे हैं अपने समय के, और एक मंत्री भी रहे हैं, इसके बाद में अजीत जोगी जी यहाँ पे पूर्व सीएम रहे, फिर लगातार विधायक भी रहे जी। इसके बाद भी अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत निचले स्तर है, इसके लिए आप क्या जवाब देंगे? आप जैसे युवा जो यहाँ से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं जी, उसके बाद भी देख रहे हैं बहुत से लोग शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, ऐसा क्या कारण है सर? ये मानते क्यों बच्चे यहाँ से शहर की ओर जाकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं? डॉक्टर भंवर सिंह पढ़ते थे उस टाइम में, उन्होंने फुल जोर लगाया था जी कि यहाँ आदिवासी उनके लिए एजुकेशन बहुत अच्छा हो। उस समय राजीव गांधी मिशन के तहत काफ़ी सारे जो आधुनिक सुविधाएं, जैसे कंप्यूटर हो गया और सारी चीज़ें, तो आदिवासियों को जोड़ने के लिए बहुत काम उन्होंने किया और मुहैया भी कराए। हॉस्टल कॉलेज के जो छात्र होते थे, तो पोस्ट मैट्रिक का एक था, तो 11वीं से 12वीं और कॉलेज वाले MA BA सब साथ में कंबाइन में रहते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद राजनीति ऐसी हो गई, उसके बाद वहाँ से कॉलेज के जो विद्यार्थी थे उनको निकाल दिया गया, और उन लोगों के लिए कभी हॉस्टल नहीं बना सर। यहाँ मुख्य बात यह है कि 12वीं के बाद कोई लड़का आगे पढ़ नहीं पा रहा है, बात यह है कि हॉस्टल बनवा देंगे यहाँ के जो कथाकथित लोग हैं, हॉस्टल बनने देंगे, तो यहाँ से जो बच्चे जाके रूम में रहते हैं वहाँ किराए पर, तो हॉस्टल हो जाएगी तो किराए में वो लोग नहीं रहेंगे, तो उनकी कमाई कैसे होगी, और इसीलिए वो लोग अड़चन डालते रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आदिवासी बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो नौकरियाँ में जाने की ज़्यादा संभावना है उनकी, तो एक कूटनीति ये है कि वो लोग मुख्य धारा में ना आ पाए, वो अशिक्षित ही रहें और वो दबके ही काम करें हमसे, ऐसी भी विचार यहाँ के लोग रखते हैं, कथाकथित लोग, और वही नहीं बनने देते। बाकी लोग चाहते हैं, सभी समाज के चाहते हैं कि बने यहाँ, आदिवासियों का विकास हो, लोगों का विकास हो, और ये एक मॉडल के रूप में जाना जाए।